हरियाणा की करते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के बीच इस वक्त राज्य सरकार में उठापटक शुरू हो गई है। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है और इसी बीच दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल बीजेपी ने इस पूरे मामले में अब गेम पलटना शुरू कर दिया है। जेजेपी के तीन विधायकों ने मनोहरलाल खट्टर से मुलाकात की है और जेजेपी में कहीं ना कहीं अब बगावत के आसार दिखने लगे हैं। जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने खट्टर से मुलाकात करने वाले तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस, जेजेपी और INLD तीनों पार्टियों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की कोशिशों को धक्का बताते हुए बीजेपी के नेताओं ने उन्हें अपना घर संभाल कर रखने की सलाह दे दी है। वहीं दुष्यंत चौटाला की चिट्ठी और भूपेंद्र हुड्डा के दावों और अभय चौटाला के एक्शन के बावजूद बीजेपी के नेता इस वक्त पूरे सियासी उठापटक को लेकर निश्चित नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर ने दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा को अपना घर संभालने की खुली चुनौती दे दी है। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखे, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर वो लिखने से कुछ नहीं होता, तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें।